मारा हुआ जगह था। अच्छा, तो इससे फायदा हुआ, दिखता हुआ बहुत फायदा हुआ है मंदिर में, तो क्या उससे फायदा मिलेगा? होटल बनेगा, रोड बनेगा, स्टेशन बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, उसमें कितने आदमी काम करते हैं आपको पता नहीं है? अच्छा बताइए, मंदिर के बगल में कितने भीख मांगता है? अच्छा। है पता कितने बेरोजगार भीख मांगता है जानकारी? अच्छा, जानकारी मंदिर के अंदर तो बहुत सारा है जानकारी आपको, उसका डेटा रखते हैं, उनसे पूछ लीजिए कितना है डेटा। वो तो चले गए, लेकिन भैया का क्या नाम सामना होगा डेबिट जी? नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स, अभी मौजूद है हम रेलवे स्टेशन पे। कहिएगा कैसा रोजगार? शिक्षकों की नियुक्ति पत्र आज मिल रहा है 90,000 लगभग। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार रोजगार दूसरे स्टेट को भी दे रही है, अपना स्टेट को भी दे रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो कहा जाता था चाचा भतीजा के सरकार कैसा है? चाचा और भतीजा मतलब सीधा सीधा बोलिए, नाम बोलिए, चाचा भतीजा मतलब नहीं समझते हैं। चाचा भतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ऐसा बोलिए वो घुमा के साइकोलॉजिकल भाषा में नहीं बोला, बताइए बताइए। नीतीश कुमार के तो जानबे करते हैं कि तरफ से उतरफ होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या बोले चाचा भतीजा किसको बोले? भतीजा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो ठीक ठाक लग रहे हैं, नवयुवक हैं, ठीक है। उम्मीद जो सकारे थे कि पहला कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर खड़ा उतरता हुआ कहा जाता है कि कहा जाता है कि जिस घर में बाप झूठ बोले तो बेटा झूठ बोला तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी बोला था कि करोड़ों लाखों रोजगार देंगे प्रति साल, क्या है? नहीं है। तो फिर लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एक बात और बताइएगा कि जो चचा भतीजा जो कहा उसमें से लगभग पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, क्या तो केंद्र इसके साथ है या नहीं है? जैसे कि जो चचा भतीजा की बात है कि हमने रोजगार देंगे, तो इसमें थोड़ा सा सफल होता दिख रहा है। अच्छा। लेकिन ऊपर वाला जो बोला केंद्रीय सरकार, उसमें हमें रोजगार कहीं दिखा नहीं है। नहीं दिखा, नहीं दिखा है। जितना जी तरह से बोला राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से क्या होता है? कृष्ण मंदिर से क्या होगा? मंदिर और मस्जिद से क्या होगा? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है क्या? राम मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? उससे रोजगार नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मंदिर में जो चंदा जाएगा, अस्पताल बनेगा, उस क्या रोड नहीं बन रहा है, क्या वहाँ वाले के लिए होटल नहीं बन रहा है? मंदिर की बात करें, ये मंदिर रिक्शा नहीं चल रहा है, ये टेम्पो नहीं चल रहा है, क्या मिलेगा? राम मंदिर से भारत मिलेगा, भारत मेरा रोजगार का विकास नहीं होगा? भारत मेरा खोया हुआ था, भैया बोल रहे हैं कि राम मंदिर से भारत मिलेगा, पहले तो था ही नहीं भारत। अच्छा भैया मिलेंगे, पहले नहीं था, कहीं भूला हुआ है मेरा देश। मालदीव की घटना से भूला हुआ है, चला राम मंदिर बना, पहले कोई अक्षय कुमार सलमान खान बोलता था नहीं मिलेगा, यहाँ आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगा राम मंदिर, तो इंग्लैंड नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा, अमेरिका में राम मंदिर नहीं रहेगा तो विलुप्त हो जाएगा, ऐसा इनको हम अवधारणाएं हैं। देखिए इनके जवाब दीजिए, पहले अक्षय कुमार सलमान खान और क्या बहुत सारे लोग पब्लिक ये सब कहाँ से आके बोल रहे हैं? मंदिर के जगह अस्पताल बनना चाहिए तो मंदिर बन रहा है, इससे क्या फायदा है? कितना एम्स है पता है आपको? सारे स्टेट में एम्स बनने जा रहा है, एम्स बनने जा रहा है, आप क्या कहिए? क्या अस्पताल? अस्पताल तो है ही है, लेकिन मान लीजिए राम उपचार कराने के लिए जाते हैं तो जो मेडिसिन का जो फैसिलिटी होती है वो कहता है खत्म हो गया है, अस्पताल तो है। पहले से भारत मजबूत हुआ है, वो निगेटिव लोग बोल रहा है कि कमजोर हुआ है, मंदिर की क्या जरूरत है? मंदिर से भारत यूनाइट हुआ है, भारत की एक पहचान बनी है दुनिया में, दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि भारत क्या है, तो उसी मंदिर के आधार पे सारे लोग यूनाइट हुए हैं। अच्छा अच्छा, और बेरोजगारी भी खत्म होगी वहाँ पे, अयोध्या एक मारा हुआ जगह था। अच्छा, तो इससे फायदा हुआ दिखता हुआ? बहुत फायदा हुआ है मंदिर में, तो क्या उससे फायदा मिलेगा? होटल बनेगा, रोड बनेगा, स्टेशन बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, उसमें कितने आदमी काम करते हैं आपको पता नहीं है? अच्छा बताइए, मंदिर के बगल में कितने भीख मांगता है? अच्छा। है पता कितने बेरोजगार भीख मांगता है जानकारी? अच्छा अच्छा, है जानकारी? मंदिर के अंदर तो बहुत सारा है, जानकारी आपको? अच्छा। उसका डेटा रखते हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए कितना है डेटा। वो तो चले गए, लेकिन भैया का क्या नाम सामना होगा डेबिट? ऐसा ही होगा। अब कहने का मतलब है वो कह रहे हैं कि राम मंदिर मर रहा है तो मेरा भारत मिलेगी। अरे चाइना में राम मंदिर नहीं, क्या चाइना भाग गया? नहीं, चाइना तो बहुत मजबूत है। अमेरिका में तो राम मंदिर नहीं है तो क्या है? अमेरिका में तो राम मंदिर नहीं है तो क्या अमेरिका विलुप्त हो गया? यानी मंदिर बनेगा तो भारत मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? तो फिर वो तो उनसे पूछना है, उनकी अवधारणाएं हैं, उनकी मानता है। हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाए तो उसको ठीक से इलाज। पहले तेजस्वी यादव बोला है कि एक बात मंदिर से ज्यादा हॉस्पिटल जरूरी है, कोरोना में मंदिर बंद हो गया था लेकिन सही बात है। मेरी एक
अपना विचार है कि जिस दिन लोग देश के नागरिक बच्चा बूढ़े लोग जिस दिन मंदिर और मस्जिद जाना छोड़ के स्कूल की तरफ चल गया हमारा देश उस दिन कल्याण हो गया। अरे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बस कौन सा बात हो गया, ये बात हुआ क्या मतलब अपने धर्म को छोड़ दिया जाएगा? तो आप यही ना कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद छोड़ दिए, क्यों छोड़े? छोड़ने के लिए मैंने क्या बोले, क्या बोले वो रास्ता कैसे छोड़ सकते हैं? मंदिर और मस्जिद जितना अच्छा से जाते हैं उतना उससे ज्यादा अच्छा से अगर स्कूल जाए तो ठीक है हमारा देश उस दिन विकास करेगा। हमारा आस्था है इसलिए हम सजाते हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं आप क्या बोले, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद जाता है अगर बच्चा और बूढ़े लोग अगर वो उस तरह से स्कूल भी जाए ठीक ना, आप पूरा समझाइए। जिस तरह से मम्मी और पापा अपने बच्चे को आरती पूजा करने के लिए बैठाते हैं उस तरह से पढ़ाने के लिए बैठाए तो हमारा देश है। एक बात समझ लीजिए आज IAS IPS बन रहे हैं बहुत सारे लड़के, क्या बहुत ऐसा नहीं लगता कि आपको हमसे ज्यादा उसको सुख सुविधा थोड़ी मिला है? हमको बहुत सुख सुविधा मिला है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। लेकिन बहुत सारे आप देख रहे हैं आज 12th फेल, आप एक ये देखे होंगे फिल्म है एक 12th फेल, आप उसमें देखिए कि लड़का क्या स्ट्रगल करके IPS बना है। ये रियलिटी पे एक फिल्म है जो आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने हर चीज का सुख सुविधा दिया जाएगा तभी आप एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो यही तो आप तो वही कह रहे हैं ना, सरकार को बस ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब चीज सरकार ही करेगा भाई मेरे, सब कुछ सरकार। प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, साइंटिस्ट बनता है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं कि कहाँ पे करेगा, चलते चलते भी पढ़ाई कर सकता है। धर्म कम नहीं, धर्म अपना अपना मानेगा लेकिन जिस तरह से लोगों को आस्था है उस तरह से अगर स्कूल में भी आस्था जिस दिन हो गया तो हमारा देश उन्नति कर